धर्म, मजहब या पंथ, ये एक ऐसी चीज है जो हम खुद नहीं चुनते, बल्कि जन्मजात ही हमको ये मिलता है। ऐसे में अगर कोई इंसान अपनी धार्मिक पहचान से खुद को अलग करता है तो यह उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वैसे तो इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है। साल 2021 के आंकड़ों की माने तो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या लगभग पूरी दुनिया में 2.38 बिलियन थी, जो अब लगभग 3 बिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। इसे फॉलो करने वाले लोगों को आम भाषा में मुसलमान भी कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले लोग ऐसे भी हैं जो अब इस मजहब से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। यही नहीं, इसे एक आंदोलन का नाम भी दे दिया गया है और वो इसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के अलावा कई मुस्लिम बहुल्य देश ऐसे भी हैं जहां ये आंदोलन इन दिनों तूल पकड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम मानते हैं कि इस्लाम की कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं और ऐसे में हम उस मजहब का पालन नहीं कर सकते। इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट से मुतासिर होकर इस्लाम को छोड़ने वाली केरल की 48 साल की नूरजहां ने भी ऐसे कारण बताए हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में ये बताया है कि हिजाब पहनने की मजबूरी, महिलाओं से भेदभाव और धर्म के नाम पर कट्टरता जैसी चीज ने उनका इस्लाम से मोहभंग कर दिया है। फिर वह नास्तिकता की ओर बढ़ी क्योंकि यह चीज उन्हें ज्यादा तार्किक लगती है। नूरजहां ने खुलकर इस मुद्दे पर अपने राय भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि बीते सालों में मैंने इस्लाम से नाता तोड़ लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी कुछ बातें मुझे अतार्किक लगती हैं। इसमें महिलाओं से भेदभाव होता है और उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता है। वह ये भी कहती हैं कि मेरी बेटियां हैं और मैं उन्हें किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे रही हूँ। आपको बता दें कि यह एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऐसे समय पर जोर पकड़ रहा है जब कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमान यानी इस्लाम मानने वालों की होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2035 तक दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा होने की बात कही गई है। साल 2007 की प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 35 लाख मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से 1 लाख मुसलमान हर साल इस्लाम छोड़ रहे हैं। हालांकि बात यह भी दिलचस्प है कि इतने ही लोग हर साल इस्लाम अपना भी रहे हैं, वो भी अमेरिका में। ऐसी स्थिति पश्चिमी यूरोप के देशों में भी देखी जा रही है। इस्लाम से दूरी बनाने वाले लोगों में एक वर्ग उनका भी है जो किसी और धर्म से इस्लाम में आए थे। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि ईसाई, हिंदू, बौद्ध और यहूदियों में भी धर्म छोड़ने वालों की संख्या इस मूवमेंट में शामिल है। लेकिन इस्लाम को छोड़ने वालों की एक बात सबसे अलग बनाती है, बाकी धर्मों को छोड़ने वाले अधिकांश लोग खुद को नास्तिक बताते हैं, जबकि इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों की पहचान खुद एक्स मुस्लिम के रूप में होती है। इस्लामिक समाज में जहां धर्म को छोड़ने को बड़ा टैबू माना जाता है, ऐसे में खुलेआम इसकी घोषणा करने का बड़ा संदेश भी छिपा है। आमतौर पर इस्लामिक देशों में इस्लाम को छोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देशों में यहाँ पे इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। वहाँ भी ऐसा करने वाले एक्स मुस्लिमों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बीबीसी ने साल 2015 में एक रिपोर्ट जारी की थी और अपनी पड़ताल में बताया था कि ब्रिटेन में इस्लाम छोड़ने वालों को उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है। इसमें सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि अपने ही परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे में पूर्व मुसलमानों को खुलकर सामने आना ऐसे लोगों को हिम्मत देता है। ईरानी मूल के लेखक और राइट एक्टिविस्ट मरियम नमाजी कहते हैं कि इसकी वजह से इंटरनेट के जरिए तेजी से सूचनाओं का पहुंचना भी है। वह तो कहते हैं कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ईसाइयत पर असर पड़ा था, उसी तरह इंटरनेट के आने के बाद इस्लाम पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। पूरी दुनिया में जो मूवमेंट इस समय चल रहा है उस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और इस तरह की तमाम वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल RA News को जरूर फॉलो करें।